कुत्ते गए हैं बेटा। ओ मेरा कम डन कर दो एक बार जी, ओ मेरा कम डन। मुझे पसंद है लड़का, ये टिकटॉक पर बड़े फेमस होते हैं। 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन की रिलीज डेट। दो खराब फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार की बॉलीवुड में हो रही है वापसी। वहीं इस फिल्म से टकराने के लिए पूरे तरीके से तैयार है लाल सिंह चड्ढा। 4 साल का लंबा इंतज़ार आमिर खान बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं इस फिल्म को लेके, जो कि काफ़ी एंटिसिपेटेड है। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म के क्लैश को लेकर बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान ने अपनी राय दी। जब मीडिया ने इनसे क्लैश के बारे में पूछा तो सलमान खान ने कहा कि दोनों ही एक्टर काफ़ी लाजवाब है, लेकिन आप मेरी पर्सनल चॉइस इस बार पूछेंगे तो आई फेवर विद अक्की। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार का सपोर्ट करते हुए सलमान खान नजर आए और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि मानो या ना मानो 4 साल का इंतज़ार काफ़ी लंबा हो जाता है, फैंस आपके इंतज़ार में थक चुके होते हैं। वहीं खिलाड़ी कुमार कोविड में भी नहीं रुके। अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए सलमान खान ने लिखा, जो बंदा इतना मेहनती है तो उसको उसका फल मिलना भी चाहिए। अक्षय कुमार काफ़ी काम करते हैं और उनके चेहरे पर वो काम दिखता है। उनकी फिल्में अलग अलग तरीके की होती है। मैं खुद अक्षय का फ़ैन बन चुका हूँ उनके अलग अलग अंदाज की फिल्म देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान को सपोर्ट ना करते हुए सलमान खान ने अक्षय की फिल्म रक्षाबंधन को लाल सिंह चड्ढा के ऊपर बताया है। आपको सलमान का रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो।